दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट इस बात को लेकर आए हैं कि मैं किस तरह से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूं। अगर मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड मोबाइल से करता हूं तो मैं किस तरह से करता हूं, और अगर मैं अपनी वॉइस को लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ करता हूं तो मैं किस तरह से करता हूं। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पहले ही बना दी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो वीडियो होने वाली है ये मोबाइल एडिटर्स के लिए होने वाली है, जो लोग मोबाइल से प्रॉपर तौर पर वीडियो को एडिट करते हैं, जो अपने मोबाइल फोन से ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं उसको एडिट करना चाहते हैं, कौन सा एप्लीकेशन है जो एडिटिंग करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज प्रॉपरली हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैंने अपनी लोकेशन पूरी चेंज की हुई है। आप देख ही सकते हैं मेरी जितनी भी पहले की वीडियोस हैं उसमें लोकेशन थोड़ी चेंज होती है क्योंकि वो साइड व्यूज होता है। आज मैंने प्रॉपर सामने से वीडियो बनाने का सोचा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस एरिया में जो आप देख रहे हैं ये खाली प्लेस है, यहां पर मेरे जो भी मैं अपने मोबाइल के अंदर एडिटिंग करूं वो यहां पर शो होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम सीखने के वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है, कौन सा एप्लीकेशन आपको रिकॉर्ड करना है, किस तरीके के आपको इफेक्ट लगाने हैं, नॉइस रिडक्शन कैसे करते हैं, इको कैसे सेट करते हैं, अगर आपको सिंगिंग के लिए प्रोसेस करना है अपनी वॉइस को लेकर के तो हम किस तरह से करते हैं, आज प्रॉपर तौर पर इसकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग अपने स्मार्टफोन उठा लीजिए और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर हमारी स्क्रीन आ चुकी है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर जो एप्लीकेशन आता है हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अक्सर मैं उसी का ही इस्तेमाल करता हूं। अभी जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं ये मेरे दूसरे स्मार्टफोन के अंदर लगी हुई है, लेकिन ये और जिससे आवाज रिकॉर्ड हो रही है ये है बोया का M1 माइक। मैंने इसका रिव्यू पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप यहां या यहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, आप उसे देखिए, उसमें मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है, आपको उसमें बताया है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूट्यूबर्स के लिए कैसा है। तो चलिए प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक माइक। अगर आपके पास माइक नहीं है तो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। तो कम से कम एक सस्ता सा माइक तो आपके पास हो ही, जिससे आप बहुत अच्छी सी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए माइक का बहुत बड़ा किरदार होता है दोस्तों। और अगर हम इस माइक के थ्रू बोलते हैं या बात करते हैं या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी आवाज़ में और इस माइक की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फर्क आ सकता है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत पड़ने वाली है एक माइक्रोफोन की। तो एक माइक्रोफोन सस्ता सा 100-150 रुपए का जहां से मिल जाए आप ले लीजिए, वरना Amazon के ऊपर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देख सकते हैं आप लोग मेरे पास यहां पर रिकॉर्डर है, ये वही रिकॉर्डर है जो मोबाइल फोन के साथ आता है। यहां मैंने पहले ही बहुत सारे सैंपल्स रिकॉर्ड करके रख रखे हैं, लेकिन मैं एक नई रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं यहां पर। तो यहां सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहां पर रेड का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो मैंने यहां पर क्लिक कर देता हूं, ये देखिए अब यहां से हमारी आवाज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो जो आपको बोलना है या जो मुझे बोलना है मैं यहां से पॉज लूंगा 1-2 सेकंड का और उसके बाद यहां से बोलना स्टार्ट करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो यहां पर मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली है। दूसरा पॉइंट आपको मैं अब बता रहा हूं, आपको ऐसा प्लेस ढूंढना है जहां पर कम से कम नॉइस हो, जहां पर कम से कम वॉइस आए, मतलब वातावरण की जो भी आपके एनवायरमेंट की जो वॉइस होती है नॉइस होती है वो आपकी कम से कम आए ऐसी, या फिर आप अपना फैन बंद कर लें अगर आपका फैन चल रहा है तो। अगर आपका रूम पूरी तरह से बंद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ को अपना जो रूम है उसमें पूरे तरह से लॉक लगा रखा है और ताकि कोई अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर आवाज़ नहीं आए। तो इसलिए तो आपको कोशिश करनी है कि अपना जो आपका रूम है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ी बहुत नॉइस रह जाएगी, उसको हम एप्लीकेशन के थ्रू रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाइए, तो सबसे पहले हम सुनकर देखते हैं कि हमारा सैंपल क्या कह रहा है। अब यहां से हमारी आवाज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, तो जो आपको बोलना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो ये जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है आप लोगों के सामने विदाउट माइक्रोफोन किया है, और अभी जो मेरी आवाज आप डायरेक्ट सुन रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक वो आप इस माइक्रोफोन से सुन रहे हैं जो कि मेरे कैमरे के अंदर लगा हुआ है। तो यहां पर आप डिफरेंस समझ सकते हैं
कितना जमीन आसमान का फर्क आता है। इस वीडियो के अंदर मैं कोई म्यूजिक नहीं लगाने वाला हूं ताकि आप प्रॉपर एक छोटी से छोटी बारीक चीज को भी यहां पे ध्यान से नोट आउट कर सके। तो हमने यहां पे ये सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद आपको इसको यहां से रिनेम कर लेना है। तो मैं इसे रिनेम कर लेता हूं, सिंपली इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद मैं यहां डाल देता हूं, अभी रिकॉर्ड डाल दिया मैंने। अब इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, सिंपली यहां से लॉन्ग प्रेस करेंगे और सेव एस पर क्लिक करके, और सेव एस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे यूज दिस फोल्डर पर अलाउ कर देंगे। यहां पर हमारी जो ऑडियो है ये सेव हो चुकी है हमारी फाइल मैनेजर के अंदर। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, फाइल मैनेजर के अंदर चलेंगे और देखते हैं कहां पर पहुंची है हमारी फाइल। तो ये आ गए हम फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल के अंदर आइए, यहां से आप चूज करिए इंटरनल, और यहां से आप थोड़ा सा ऊपर करिए और यहां पर आपको मिलेगा म्यूई, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा साउंड रिकॉर्डिंग सबसे नीचे की तरफ, और यहाँ देखेंगे ऐप रिकॉर्डिंग। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग मिल गया है, आप इसे प्ले करके देखेंगे। अब यहाँ से हमारी आवाज देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जी। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम एडिट करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो वो MP3 को ही सपोर्ट करता है। लाइक Audacity की अगर हम बात करें, जो कि कंप्यूटर के लिए होता है, PC वर्जन होता है, वो भी MP3 को सपोर्ट करता है। और अगर हम मोबाइल फोन के लिए कोई भी एडिटर की बात करते हैं जो ऑडियो को एडिट करता है, वो भी आपका MP3 को ही सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आपको इसको MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। MP3 में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, वो हम क्रोम से कर लेंगे। बहुत आसान प्रोसेस बता रहा हूं आपको। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से मिनिमाइज करेंगे और यहां पर आ जाएंगे क्रोम के अंदर। अब क्रोम के अंदर आने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है, तो यहां आप टाइप करेंगे MP3 कन्वर्टर और यहां पर एंटर मार देंगे। अब ये देखिए MP3 कन्वर्टर आ गया है हमारा। अब यहां से सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे। अब सेलेक्ट फाइल क्या होगा, जो भी हमने अपनी फाइल को सेव किया था वहां से इसे उठाएंगे और यहां पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम, तो दोस्तों हम आएंगे अपने म्यूई के अंदर और यहां से साउंड रिकॉर्डर के अंदर और यहां से अपने ऐप रिकॉर्डिंग के अंदर और यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको रिकॉर्ड। तो यहां पर सिंपली हम यहां पर क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा अपलोड हो रहा है यहां पर। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये M4A में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है MP3 में। तो यहाँ पे MP3 हम सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट होने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। तो कन्वर्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 1 या 2 सेकंड आपके लेगा और उसके बाद ये फाइल को डाउनलोड करने के लिए कहेगा। ये देखिए अब ये फाइल आपकी डाउनलोड होने के लिए तैयार है। तो यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गई है, और ये शुरू हो गई और यहाँ से डाउनलोड हो भी गई। अब देखते हैं हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाकर कि कहां पे ये सेव हुई है। तो आप यहां पे ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो ये यहां से हमारी आवाज रिकॉर्ड सा हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस। ये देखिए तो ये हमारी सेव हो चुकी है MP3 के अंदर। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है और उस एप्लीकेशन का नाम है Lexis ऑडियो एडिटर, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे प्ले स्टोर पर, यहां पर आप प्ले स्टोर पर आएंगे। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहां पर आप डालेंगे Lexis ऑडियो एडिटर, सबसे ऊपर आ जाएगा। इसका आप आइकन देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको नीला वाला। अब इस पर मैंने देखिए ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो यहां पर ओपन शो कर रहा है। जब आप पहली बार इसको डाउनलोड करेंगे तो यहां पर डाउनलोड का सिंबल शो होगा, आपको सिर्फ वहां पर डाउनलोड कर देना है, या फिर अपडेट का होगा। तो अगर आपके पहले से है या ओल्ड वर्जन है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां सिंपली क्या करूंगा, ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल को थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। सिंपली आपको यहीं पर आना है अपनी फाइल के ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर सेंड में आएंगे और सेंड में आने के बाद Lexis ऑडियो एडिटर के पास सेंड कर देंगे। अब यहां पर ये देखिए हमारी वॉइस आ चुकी है, अब ये सुनकर देख लीजिए। अब यहां से हमारी आवाज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, तो जो आपको बोलना है ठीक है। तो जो हमारे ये वेस्ट पार्ट है इसको हमें काटना है, तो काटने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे यहां तक लेकर आएंगे और अपनी उंगली की सहायता से इसे थोड़ा सा यहां तक लेकर आएंगे। अब ये देख सकते हैं जितना पार्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है ये रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। आप 3 डॉट पर जाइए, 3 डॉट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर ये दिख रहा होगा ट्रिम, तो ये ट्रिम कर देंगे। अब ये देखिए आपका जो ओरिजिनल पार्ट था वो रह जाएगा, जो आपका बेकार सा मटेरियल था वो सब कट जाएगा। अब इसे सुनकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहो।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है। तो दोस्तों इसमें हम चार पांच इफेक्ट लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके अंदर आप नॉइस रिडक्शन कर लीजिए, जो भी आपकी नॉइस है उसको आप काट लीजिए। मतलब कि यहाँ पर थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आएंगे, इफेक्ट में आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो आपको नीचे की तरफ देखने मिलेगा नॉइस रिडक्शन, और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सिंपली जो सेटिंग यहाँ रखी हुई है वही आप इसके अंदर रख देंगे, और रखने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई के बाद दोस्तों इसमें से जो भी नॉइस थी वो अपने आप इसमें से रिमूव हो जाएगी। अब इसे सुनकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहू। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जैसे ये मुझे बीच का पार्ट नहीं रखना है और मुझे बीच का पार्ट काटना है, तो यहां से मैं इसे लेकर आऊंगा और इसे इधर से लेकर आऊंगा, और मुझे बीच का पार्ट काटना है तो यहाँ पर डॉट पे क्लिक करूंगा, और डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिलीट, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं, तो बीच का पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से आप सुनकर देखेंगे तो वो बेकार वाला पार्ट जो भी था वो आपका डिलीट हो चुका होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहू। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब हम दूसरा इफेक्ट लगाने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मलाइज। तो सिंपली हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ नॉर्मलाइज आपको दिख जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करते ही कुछ नहीं करना है, वो अपने आप कर देगा एप्लीकेशन जो भी करना है। अब आप सुनेंगे तो इसकी देखिए वेव फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ी सी वेव फॉर्म जो है वो बढ़ चुकी है। तो जो बढ़ गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें दोस्तों अगले इफेक्ट की तरफ चलना है। अब यहां से आप पिच पर जा सकते हैं, अगर आपकी भारी आवाज नहीं है, थोड़ी पतली आवाज है, तो यहां पिच के ऊपर जा सकते हैं। पिच के ऊपर आप अगर नेगेटिव की तरफ को जाएंगे तो भारी हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे यानी कि प्लस की तरफ को जाएंगे तो आपकी आवाज बहुत ही पतली हो जाएगी, बच्चों की तरह। इसे मैं नहीं करना चाहता, मेरी आवाज में बेस ठीक ठाक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको और भी इफेक्ट लगाने तो यहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्पो चेंज करना है, स्पीड चेंज करनी है, या आप कंप्रेशन लगाना चाहते हैं। तो जैसे कंप्रेशर है, तो कंप्रेशर हमारी वॉइस में क्या करता है, जो हाई पिच की आवाज़ होती है उसको मीडियम कर देता है, और जो मीडियम होती है यानी कि बहुत ज़्यादा कम होती है उसको और भी ज़्यादा नॉर्मल कर देता है, मतलब एक सिक्वेंस में लेकर आ जाता है। यहाँ ओवरऑल मेरी सारी ऑडियो की आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं इसमें कंप्रेशन नहीं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है इक्वलाइजर। अब ये सेटिंग आप सेट कर लीजिए, यही सेटिंग मैंने आप लोगों को ऑडासिटी के अंदर ही बताई हुई है। अगर आप ऑडासिटी से अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ या यहाँ आप लोगों के आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहां से भी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और वो मेरे चैनल की सबसे मोस्ट फेवरेट वीडियो है, जिसके सबसे ज्यादा व्यूवर्स हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, सबसे ज्यादा वॉच टाइम उसने मुझे दिया है, तो वो वीडियो बहुत अच्छी है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पर ये सेटिंग इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपकी आवाज थोड़ी बूस्ट हो गई है, अब जरा सुनकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो ये दोस्तों अब हमारी आवाज बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, क्रिस्प हो चुकी है, तो जो हमारी ऑडियो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे सिंपली सेव करना है, और सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं कोई, और इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। यहां से आप सेटिंग को कोई चेंज नहीं करना है, आपको यही रहने देना है, और इसे क्लिक कर दिया। अगर आप MP3 में सेव करेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि ये फ्री नहीं है MP3 के लिए। हम M4A में ही इसे सेव कर लेंगे और बाद में हम कन्वर्ट इसे कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हमने कर लिया है। अब ये आपको दोस्तों कहाँ मिलेगी, आप जाएंगे सिंपली फाइल मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर आप आएंगे म्यूजिक के अंदर। ये देखिए, तो म्यूजिक के अंदर आप लोगों को मिलेगी ये, और म्यूजिक के अंदर आने के बाद अब आपको सिंपली से MP3 में कन्वर्ट करना है, तभी जाके कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपलोड हो पाएगी। तो सिंपली हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे गूगल के पास जाएंगे, और गूगल के पास जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड मोर फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद आप लोग थोड़ा पीछे आइए, और पीछे आने के बाद अपनी फाइल मैनेजर के जहाँ भी आपकी लोकेशन थी वहाँ पर आप सिंपली म्यूजिक में जाइए, और यहाँ पर आप, ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब ये देखिए ये अपलोड हो गई है, सॉरी मैं कन्वर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए कन्वर्ट होना शुरू हो गई है हमारी, देख सकते हैं इसका नाम भी लिख कर आ रहा है, एडिट ऑडियो।
तो ये सिंपली कन्वर्ट हो रही है, वेट होने के लिए कह रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ चुकी है डाउनलोड करने के लिए, तो हम सिंपली इसे डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद डिटेल में आते हैं। तो ये देखिए सेव हो रही है और सेव हो भी गई, अब आप इसे सुनकर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहो। तो दोस्तों अब मैं आपको पुरानी वाली ऑडियो सुनाता हूं जब मैंने रिकॉर्ड की थी, आप डिफरेंस समझना दोनों का कितना है। इसे मैं यहीं से मिनिमाइज करता हूं और अब देखिए जो हां मैंने रिकॉर्डिंग की थी, आप सुनिए इसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहो। ठीक है, अब आप इस आवाज को सुनकर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक साहो। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अंतर यहां पे देखने के लिए मिल रहा होगा। इसी तरह से मैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूं, इसी तरह से मैं अपने Audacity के अंदर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूं, मोबाइल फोन के अंदर भी और कंप्यूटर या डेस्कटॉप के अंदर भी। यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एक फ्री एप्लीकेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाला काम आपको दे सकता है। तो अभी तक अगर आप लोग वीडियो के ऊपर बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यहां पर एक लाइक का बटन है, उसको जरूर दबा दीजिएगा। यहां चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी जो वीडियो जब भी हम डालें यहां से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी है या कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, कोई भी चीज़, अगर आप अपना भाई मानते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। YouTube पर आए हैं सारे टेक्निकल भाई, जिनके वीडियो से होगी कितनी प्रतियों के आए। सारा नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए हर YouTube पे हमारा प्यार। टेक्निकल सहो, टेक्निकल सहो, सबको सिखाए YouTube पे टेक्निकल सहो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु। टेक्निकल सहो, टेक्निकल सहो।